हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गो टू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम एक गोल गोल पायदान बनाना सीखेंगे जो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसे मैंने 29 फंदों में बनाया है और इसे मैंने दो रंगों से बनाया है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीन फंदा जिस कलर से आपको किनारी बनाना है उसी कलर से आपको फंदा डालना है। यहाँ पर मैंने फंदा डाला हुआ है और फिर मैंने ये तीन फंदों का किनारी डाला हुआ है और लास्ट में मैं यहाँ पे बीच में दो रंग ग्रीन कलर से बनाया है मैंने। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और आप अच्छा सा एक अपना डोरमेट, थालपोश, पूजा आसन आप चाहे तो ऊन से भी बना सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, कुछ फ्रूट के शेप का दिखाई देता है। तो चलिए हम ये नया तरह का डोरमेट बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 नंबर की सिलाई ली हुई है और कपड़ों से मैंने ये दो रंग की प्लेन कपड़ों से मैंने पट्टियाँ निकाली हुई हैं। इसमें मैंने 1 इंच की पट्टी निकाली हुई है। आप चाहें तो एक प्रिंट और एक प्लेन कपड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों प्लेन कपड़ा लिया हुआ है। तो चलिए हम फंदा डालना शुरू करते हैं। ये वाला डोरमेट मैं आपको 29 फंदा में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सिलाई पर ऐसे पट्टी को घुमा लेना है और फंदा डालना है। ये देखिए हमारे दो फंदे हो गए। ये देखिए फंदा कैसे डालते हैं। फंदा डालने का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 5 फंदे डल गए हैं। 6 7 8 ये हमारे 29 फंदे डल चुके हैं। यहाँ देखिए, ये हम पहले ही फंदे से अपना डिजाइन डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका ये पट्टी बड़ा है तो आप इसको ऐसे कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद आप इसी इसमें इसको रोल करके इसी में ऐसे बुन लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले ही फंदे से हम अपना डिजाइन डालना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 29 फंदा लिया हुआ है। आपको फंदे दो के जोड़े के हिसाब से लेने हैं। एक फंदा हम मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, मैंने बॉर्डर के लिए एक फंदा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अगर आपको जिस रंग का बॉर्डर बनाना है उसी रंग से आप फंदा डालें। ये देखिए, तीन फंदा मैंने बॉर्डर के लिए लिया हुआ है, इसीलिए मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा लिया था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने तीन फंदा ये बॉर्डर के लिए लिया हुआ है। अब यही से मैं अपना यहाँ पे कलर चेंज करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीले रंग का प्रयोग किया हुआ है। आप चाहे तो कोई भी एक प्रिंटेड कपड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों प्लेन कपड़ा लिया हुआ है। ये देखिए, इसी तरह इसको भी अपने कपड़े के अंदर आप ले लें। ऐसे बनाने से हमारे डोरमेट में सफाई आती है। इसे हम अपना पूरा बुन लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हम यहाँ पे 24 फंदा बुनेंगे। तीन फंदा मैंने यहाँ पे किनारी के लिए लिया हुआ है और दो फंदा मैंने बीच के लिए लिया हुआ है। हर बार आएंगे हम यहाँ पे दो दो की संख्या में छोड़ेंगे और ये दो फंदा दो ही इसी ग्रीन कलर का ही रहेगा। यही से हम अपने पट्टी को घुमा लेंगे और यहाँ से हमें इस सीधी लाइन में हमें कुछ भी नहीं करना है। जो जिस रंग का है उसी रंग से हमें बुन लेना है। ये देखिए, सबसे पहले अपना फंदा उतार लेते हैं एक, और ये देखिए इसको हम पूरा लास्ट तक बुन लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।
फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। ये देखिए ऐसे इसको ऐसे घुमा लें। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों प्लेन ही कलर लिया हुआ है। इसे आप चाहें तो थाल पोज भी बना सकते हैं, पूजा आसन भी बना सकते हैं, ऊन से भी बहुत अच्छा बन जाता है। ये बहुत ही आसान डिजाइन है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर के पास पहुंच गए। इसको क्या करना है, यहाँ पे पीले वाले पट्टी को पीछे करना है और ये ग्रीन वाले जो पट्टी है इसे हम आगे कर लेंगे। यहाँ पे इसको आगे कर लेंगे और इसको यहाँ पे ग्रीन वाले पट्टी से बुनेंगे। किनारी हमेशा हमारी ग्रीन ही कलर की रहेगी। ये देखिए ये हमारा बुन के देखिए ऐसा है आ गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे हमें तीन फंदे को उल्टा बुनना है। आप चाहे जितना भी फंदा लें दो की जोड़ी से लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, बस पीले वाले को आगे करेंगे। और यहाँ पे हमें जिस जो पीले रंग का है तो पीले रंग से बुनना है हमें। जितना भी फंदा लें आप दो के जोड़े से लें और एक एक्स्ट्रा फंदा लें। एक एक्स्ट्रा फंदा हम इसलिए लेते हैं कि हम बॉर्डर में जो यहाँ पे मैंने तीन फंदा लिया हुआ है उस हिसाब से। और लास्ट में आएंगे तो हमें दो की संख्या में यहाँ पे छोड़ना है, हर बार दो की संख्या में। फ्रेंड्स आप वीडियो लास्ट तक देखा करें। ये देखिए यहाँ पे दो हमने पहली सिलाई पे छोड़ा हुआ था और दो मैंने इस सिलाई पे छोड़ा हुआ है। और यही से हमें पट्टी को घूम जाते हैं, पट्टी को घूमकर सीधे वाले दिशा में आ जाते हैं। और सीधे वाली दिशा में हमें कुछ भी नहीं करना है, जो जिस रंग का है उसी रंग से बुनना है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इधर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले पीले वाले पट्टी को पीछे करना है और ये ग्रीन वाले पट्टी को आगे करना है। यहाँ पे क्रॉस कराते हुए पीछे से अब हमें ये बॉर्डर ग्रीन कलर से बुनना है। एक दो तीन, ये तीन हमें ग्रीन कलर से बुन लेना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको आगे एक फंदा उतार लेना है और पट्टी को अपनी तरफ कर लेना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे अच्छी सुंदर सी चैन बन सके और हमारा डोरमेट खूबसूरत लगे देखने में। ऐसे हमें ग्रीन कलर से ही बुनना है। ये देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्रीन कलर को क्रॉस कराना है और पीले कलर से हमें बुनना है।
opened alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में आकर हमें यहाँ पे दो की संख्या में छोड़ना है और अपने पट्टी को उस दिशा में सीधी दिशा में ले जाना है और इधर हमें पूरा ऐसे सादा बुन लेना है, जो जिस कलर का है उसी कलर से बुनना है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए हमें पट्टी क्रॉस कराना है। यहाँ पे हमें ग्रीन वाली पट्टी को आगे करना है क्योंकि हम ग्रीन वाली पट्टी से बॉर्डर बना रहे हैं। ये देखिए, एक दो, यहाँ पे तीन। इसको बुनने के बाद हम अपने उल्टे दिशा में आ जाएंगे। ये देखिए, ऐसे क्रॉस कराने पर यहाँ पे हमारा सिलाई जैसा बिल्कुल दिखने में अच्छा लगता है और सिलाई जैसा दिखता है ये। ये देखिए, पहले फंदे को उतारना है, पट्टी को अपनी तरफ करना है और यहाँ पे जो जिस रंग का है बॉर्डर, हमें आप चाहें तो बॉर्डर की संख्या बढ़ा सकते हैं और बॉर्डर चौड़ा भी बना सकते हैं, चार या पांच की संख्या में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ऐसे क्रॉस करना है, यहाँ पे पीले रंग से लाना है हमें और लास्ट में आकर हमें दो की संख्या में छोड़ना है। ये देखिए, दो दो की संख्या में हमने एक दो तीन चार, चार बार मैंने छोड़ा हुआ है। इसी तरह मैं आपको आपको यहाँ तक दो दो छोड़ने के तक मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। इसके बाद हमें पट्टी को इधर कर लेना है और इस तरफ जो जिस रंग का है यहाँ पे उसी रंग से बुनना है। तो मैं आपको दो छोड़ने तक, लास्ट दो छोड़ने तक मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने दो दो की संख्या में यहाँ पे मैंने ये 13 बार छोड़ा हुआ है। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, 10, 11, 12, ये 13। अब देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट का हमें बना रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको यहाँ बुन लेंगे, पट्टी को पीछे करेंगे और ग्रीन वाले को आगे करेंगे और यहाँ पे 3 फंदा हमें बना लेना है बॉर्डर का। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरे फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ फ्रेंड कुछ अलग है, आप ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ये डिजाइन बहुत ही सरल है, आप बहुत ही जल्दी बना लेंगे। बस एक बार आप देखेंगे इस डिजाइन को बनाना शुरू कर लेंगे अपना। पहले फंदे को उतार लेना है, अब पट्टी को अपनी तरफ करना है। अब हमें यहाँ पे ग्रीन वाली पट्टी को यहाँ से पूरी लास्ट तक इसको कंप्लीट करना है। अब पीले वाले को हमें यहीं पे छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे इस ग्रीन वाले पट्टी को हमें पूरा कंप्लीट करना है लास्ट तक। यहाँ पे हमारा डिजाइन अंदर से एक लाइन ग्रीन का आएगा जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। ये देखिए,
देखिए यहाँ लास्ट वाले को भी हमें ग्रीन वाले को भी इस ग्रीन से बीन लेना है। ये देखिए ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। देखिए अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंदे को उतार लेंगे नहीं तो हमारी बीच की गोलाई बहुत बड़ी हो जाएगी। हमें यहाँ पे ग्रीन ही रखना है, बीच में हमारा ग्रीन ही पट्टी रहेगा। ये देखिए इसे हमें एक लाइन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक बीन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया है। हमें बस यहाँ पे एक ही लाइन बनाना है। अब यहाँ से हमें जैसा जैसा जिस कलर का था वैसे उस कलर का बनाना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे हमें दो तीन, यहाँ पे हमें जैसे हमने शुरुआत किया हुआ था तीन फंदे से बॉर्डर बनाने का वैसी तरह हमें फिर से बनाना है। अब हमें नया कली का शुरुआत करना है और यहाँ पे हमें अब इस पीले वाले पट्टी से यहाँ पे हमें पूरा बुन लेना है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस कराते हुए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। यहाँ पे हमें 24 फंदा पीले रंग से बुनना है और यहाँ लास्ट में हमें दो की संख्या में छोड़ना है। तो हमारी जो ग्रीन वाली थी अब ग्रीन की फिर से ग्रीन पट्टी रह गई और इसको यही से हमें घूम जाना है और ये सामने वाली दिशा में आ जाना है। और सामने वाली दिशा में हमें क्या करना है, जो जिस रंग का कलर पट्टी है उसी रंग का हमें बुन लेना है और लास्ट में आकर हमें यहाँ पे क्रॉस करके तीन ग्रीन वाला ले लेना है पट्टी। तो चलिए हम आपको ये दूसरी कली भी बुन के थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम बुन के अपने उल्टे वाली दिशा में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने दो की संख्या में छोड़ा हुआ है। हर बार हम यहाँ पे आएंगे और दो दो की संख्या में यहाँ पे छोड़ते जाएंगे, ऐसे हमारी पूरी कली कंप्लीट हो जाएगी। जब हमारी पूरी दो दो की संख्या में छोड़ते हुए हमारी पूरी कली कंप्लीट हो जाएगी तब हमें ये ग्रीन वाले पट्टी को पूरा लास्ट तक ले जाना है और इसके बाद इस दिशा में आना है। इस दिशा में भी हमें पूरे लास्ट तक एक बार ले जाना है पट्टी को, ग्रीन वाली पट्टी को। इसके बाद हमें फिर देखिए हम एक बार और आपको बता दें, सबसे पहले फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ देखिए इसको तीन जो हमने बॉर्डर के लिए रखा हुआ है इसे हम बॉर्डर के लिए ही रखेंगे।
यहाँ पे क्रॉस कराएंगे और पीले वाली पट्टी को लेंगे और इसी तरह हम लास्ट तक बुनते जाएंगे और दो दो की संख्या में जैसे मैंने कली स्टार्ट किया हुआ था उसी तरह आपको फिर से बनाना है। तो इसी तरह मैं अपनी ये पूरा कली डोरमेट कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे हमें लास्ट में यहाँ पे दो की संख्या में हमें फंदे को छोड़ना है और पट्टी को जिस तरफ घूम के इस सामने वाली दिशा में आ जाना है। सामने वाली दिशा में हमें जो जिस रंग का पट्टी है उसी रंग से हमें बुनना है। तो इसी तरह हम अपना ये खूबसूरत सा डोरमेट कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको ये डोरमेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको ये कुछ कली कंप्लीट करके मैं आपको दिखा, हमारा डोरमेट बन के तैयार हो गया है। ये पूरा 12 कलियों का डोरमेट बन के तैयार हुआ है। अब हमें इसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये दो दो की संख्या में मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंदा उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हम ये ग्रीन वाला पूरा लास्ट तक ले जाएंगे। ये देखिए ये पूरा ग्रीन वाला हम पूरा लास्ट तक ऐसे बिन के वहाँ तक पहुँचेंगे। ये देखिए हमारा लास्ट तक यहाँ पे ग्रीन का हमने बुन लिया हुआ है। अब यही से हम अपने फंदे को घटाना शुरू करेंगे, इसको हम एक लाइन और नहीं बुनेंगे। देखिए घटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दो फंदों का एक करना है। और इसको हमें ऐसे अपने सिलाई पे चढ़ा लेना है और यहाँ पे हमें दो फंदों का एक करना है। इसी तरह हम पूरा लास्ट तक ये देखिए यहाँ दो फंदों का एक करना है, इसको सिलाई पे ले लेना है। हमें यहाँ पे यह ध्यान देना है कि हमारा ये फंदा ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा लूज हो और सिलने पर ये हमारा बराबर आए। जैसे हमने यहाँ फंदा डाला है उसी तरह हमें इसको उतारना भी है। तो इसी तरह हम अपना ये पूरा दो का एक करके ऐसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट वाले फंदे को हमें कैसे बुनना है, फंदे को ऐसे बढ़ा लेना है ये देखिए, और इसमें ये वाला गोला डाल के ऐसे करके धीरे धीरे खींच लेना है और यहाँ पे हमें ऐसे यहाँ पे ऐसे कट लगा लेना है। इस पीले वाले पट्टी को भी हमें यहाँ पे ऐसे गांठ लगा लेना है ताकि ये खुले ना। मैंने इसे पहले ही काट लिया था, इसको भी हम ऐसे कट लगा लेंगे। हमें डोरमेट सिलाई करेंगे, सिलाई के लिए हमें बड़ी वाली सुई और ये मोटे वाले धागे की इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो इसकी पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ग्रीन वाले पट्टी का भी सिलाई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी मजबूत पड़ता है। तो चलिए हम सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए डोरमेट को हमें उल्टा करना होगा और सबसे पहले हमें किनारी से सिलाई करना है, ऐसे किनारी से लेकर इसको इसमें फंसा कर यहाँ पे हमें एक पहले इसमें इसको डाल के ऐसे गांठ लगा लेना है।
ऐसे हमें डोरमेट फंस जाएगा, हमारा यहाँ पे गांठ हो जाएगा। सिलाई हमें अच्छे से बारीक बारीक लगाना है ताकि हमारा उस दिशा में बिल्कुल भी ना दिखे। ये देखिए, इसी तरह हमें पूरा डोरमेट सिलाई कर लेना है। ये देखिए, अगर आपको लगे कि यहाँ डोरमेट की गोलाई बड़ी है तो इसको छोटा करने के लिए हम इसे धीरे धीरे थोड़ा सा कच्चा कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे करने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐसे हल्के हाथ से ऐसे से खींच देंगे और यहाँ पे हमारा ये गोलाई बंद हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे करके गांठ लगा वाला कलर मैंने एक साड़ी और ये मैंने चुन्नी से बनाया हुआ है। अगर आप इंची टेप से आप देखें तो इसकी पूरी लंबाई ये देखिए 17.5 इंच है। इतना बड़ा मेरा डोरमेट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए प्यारा सा डोरमेट, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अब मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।